दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले 25x45 स्क्वायर फीट में पूरा ये मॉडल, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा, हमारा थंबनेल देखा होगा, ये आप हमारा इमेज भी देख पा रहे होंगे। ये अगर हम बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई तो 25 स्क्वायर फीट इसकी 25 फीट चौड़ाई है और 45 फीट इसकी लंबाई है। मतलब 25x45 स्क्वायर फीट में 3 BHK हाउस प्लान है और 25x45 में विद कार पार्किंग 3 BHK हाउस प्लान मैंने डिजाइन किया है। आप इस मॉडल को देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको 3 बेडरूम 1 2 3 और ये आपका किचन है। तो इसी पूरे प्लान को हम इसका 2D मैप 3D मैप, इसका फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर सारा डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ बने रहें आप इस वीडियो पे। तो उससे पहले हम आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे, अगर आपने हमारे अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज से भी आप जुड़ जाएँ, वहाँ पर भी मैं डिफरेंट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और यहाँ पर देखिएगा हमारे चैनल पर आपको मल्टीपल्स वीडियो मिल जाएंगे डिफरेंट साइजेस के। तो जो आज का मॉडल है वो ये है, जो आपने इमेज देखी थी वही है। अभी आप थोड़ा धैर्य रखें, आपको समझ में आ जाएगा। ये इसका पूरा लुक है, इसका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का। फ्रंट की बात करें तो इसका फ्रंट ऐसा आपको दिखेगा, यहाँ पर कार पार्किंग, बेडरूम वगैरह सब कुछ दिखेगा। हमेशा की तरीके से हम इसको पहले आपको करते हैं ट्रांसपेरेंट। तो जैसे इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये पूरा मॉडल आपका ट्रांसपेरेंसी में दिखता है, सारा फर्नीचर वगैरह आपको दिखेगा और दीवारें और इसका ग्राउंड जो भी है वो आपका यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये पूरा मॉडल है 25x45 स्क्वायर फीट में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम इसको ले चलते हैं पोजीशन पर और ले चलते हैं इसको ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो फ्रंट से आप ये लुक ऐसा देखेंगे। ये इसका मेन डोर है, यहाँ से एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको कार पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाता है। और इसके साथ ये आपका एक कम्बाइंड लेटरिन और बाथरूम है। तो बिल्कुल फ्रंट में मैंने लेटरिन बाथरूम कम्बाइंड दिया है और इसके लिए आप एक डोर है। और ये आपके गेस्ट रूम है बड़ा सा, देखिए गेस्ट रूम, यहाँ पर ये डोर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका विंडो है। तो ये आपका एक गेस्ट रूम है जिसको बेडरूम भी बोल सकते हैं। और ये आपका किचन दिया, ये बड़ा सा किचन है जहाँ पर वेंटिलेशन की एक विंडो और ये एक डोर, ये आपका किचन पूरा बन जाता है। और साइड में आपका ये देखिएगा स्टेयर्स हैं जो कि आप यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर टर्न होकर ऊपर आ जाते हैं। तो ये आपका स्टेयर्स है। अगर पीछे की बात करें तो आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, 1 और 2, और दोनों के लिए डोर फ्रंट से ये दिया है। और इनका ये साइज देखिए। और सबसे पीछे की बात करें तो ये आपको एक अलग से स्पेस दिख रहा होगा। इस रूम से मैंने एक अटैच्ड लेटरिन बनाया है दोस्तों, ये देखिएगा, ये अटैच्ड है आपका बाथरूम और इसका डोर भी इसी रूम से ओपन होता है। और ये वाला लंबा से स्पेस आप अगर चाहें तो यहाँ पर भी एक लेटरिन बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं एज अ वेंटिलेशन के लिए, अगर कोई वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर आप ऐसा ओपन करते हैं, क्योंकि पीछे से हमेशा आपके पास रोशनी आती रहेगी और प्रॉपर तरीके हवा आती रहेगी। क्योंकि थोड़ा आप देख पा रहे होंगे इस वाले रूम में विंडो नहीं, तो आप पीछे विंडो वगैरह लगा सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। तो ये पूरा 25x45 स्क्वायर फीट का मकान है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 3 BHK हाउस है विद कार पार्किंग। तो ये मॉडल कैसा लग रहा है हमें आप लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ये तो इसका ग्राउंड फ्लोर की बात होगी, अब हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे आप इसके फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं ये देखिएगा, सबसे पहले फ्रंट में मैंने ये रेलिंग दे दिया है चारों तरफ। और फर्स्ट फ्लोर पर मैंने जो आगे वाला एक बेडरूम था, लेटरिन और बाथरूम था, वो हटा दिया है और ये पूरा ओपन स्पेस आप कराया जाता है। पीछे 2 बेडरूम, वही वेंटिलेशन, वही आपका किचन, वही आपकी स्टेयर्स, सेम टू सेम नीचे वाला ही पोर्शन, सिर्फ आगे का पोर्शन मैंने हटा दिया है, जिसमें ऊपर से भी आपकी वेंटिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम ना मिले। अगर आप ऊपर भी एक फ्लोर बनवाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप चीज़ें यहाँ मैनेज कर पाएंगे। और इसका लास्ट फ्लोर है जो ये देखिएगा, मैंने चारों तरफ छत बनाया है, उसके चारों तरफ बाउंड्री 3 फिट का और रेलिंग बना दिया है। तो यही पूरा मॉडल है 25x45 स्क्वायर फिट में, जो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसी को मैंने डिस्कस किया, ये हमें मॉडल आपको कैसा लगा बताएं। अगर आपका भी कोई रिकमेंडेड मॉडल हो तो वो भी हमें बताएं, क्योंकि मैंने ये मॉडल जो डिज़ाइन किया है, हमारे सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। मॉडल कैसा लगा कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज से जुड़ जाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।